लगभग लगभग 5 से 6 महीने पहले वन प्लस ने वन प्लस 7T लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में, और लगभग लगभग 5 महीना हो गया। और ये मेरे फ्रेंड हैं जुनैद, जिनको मैंने इस चैनल पर बुलाया है ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। ये नॉन टेकी बंदा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कोई आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं कि मैं टेक्निकल नॉलेज खाली झाड़ता हूँ, टेक्निकल बातें करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं नॉन टेकी का पर्सपेक्टिव लूँगा। ये बंदा लगभग लगभग 5 महीनों से ये वन प्लस 7T एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहा है। तो हमें एक चीज़ मालूम पड़ेगी कि एक्चुअल में फ़ोन जब कोई नॉर्मल इंसान यूज़ करता है तो उसका पर्सपेक्टिव कैसा होता है। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ ज़हीर एंड दिस इज़ द फुल रिव्यू अगेन, यू नो, आफ्टर 5 मंथ्स। सो लेट्स बिगिन। तो जुनैद भाई, स्वागत है मेरे चैनल पर। आप आए मेरे चैनल की शोभा बढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जुनैद शेख है एंड जो मैंने वन प्लस यूज़ कर रहा हूँ, मैं 5 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा, मुझे अपना इसका मोबाइल में क्या पसंद आया, इसका कैमरा है, इनका ग्रिप है। तो वो सारी चीज़ें तो मैं पूछूंगा, मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा सारी चीज़ें, और इन्हें खाली आंसर देना है कैसा। तो मैं ज़्यादा इनको कन्फ्यूज़न में डालूंगा क्योंकि अभी ये बंदा थोड़ा अभी तक के कैमरा शाय है, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अभी मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ा ओपन अप होने का मौका दीजिए और थोड़ा कमेंट्स में संभाल लेना गाइस। तो अभी जैसे भाई देखो, कोई भी फ़ोन होता है तो उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी, है ना। तो ये फ़ोन का डिज़ाइन तुमको कैसा लगा? डिजाइन की बात करें तो सबसे बेस्ट तो मुझे इसका कलर लगा है। कलर तो बहुत सुपर कलर है, अच्छा लगा। बहुत शेडेड करता है कलर एंड इसका जो ग्रिप है साइड में, एज वाला बैक साइड से बहुत ही सुपर है। पूरा कर्व ग्रिप, पूरा कर्व ग्रिप है, मतलब अगर हम स्लो से भी पकड़ देना तो गिरने का चांस नहीं रहता है। और ये जो पीछे फ्रॉस्टेड ग्लास है, मतलब नॉर्मली जो ग्लास आता है वो एकदम ग्लॉसी होता है जी, तो ये फ्रॉस्टेड होने की वजह से फायदा होता है कि नहीं? हाँ फायदा है इससे, बहुत ही अच्छा, मतलब फायदा है। नॉर्मली आप फोन में देखेंगे अगर जो प्लास्टिक ग्लास किसी का रहता है तो फिंगरप्रिंट्स भी आ जाती है, पर इसमें अगर हम कम फिंगरप्रिंट्स आता है इसमें, तो ये थोड़ा एक बहुत अच्छा। और डिजाइन वाइज तो फोन अच्छा है, मतलब साइड का तो पूरा मेटल है, तो कैसा, मतलब वो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म यूज के लिए तो अच्छा ही होता है। हाँ अगर लॉन्ग टर्म यूज करना है तो मैं तो बोलूंगा कवर लगा के यूज करो तो वो भी बेस्ट रहेगा क्योंकि प्रोटेक्शन सब बहुत ही जरूरी होता है। एग्जैक्टली yes. हाँ तो कवर, तो वो तो बात सही है। इसके लिए भाई ये कवर यूज कर रहे हैं, तो अगर कवर भी चाहिए तो कवर के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग कवर चेकआउट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल फोन आपको कैसा लग रहा है? ओवरऑल मतलब फोन हाथ पकड़ने में, यूज करने में, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा बहुत अच्छा है, साइज अच्छी है, बड़ी ऐसा मतलब फील होता है कि 35,000 का फोन है भाई। जाहिर सी बात है, फील है, जेब में से निकालो कान में लगाओ तो लगता है यार भाई वन प्लस यूज कर रहा है। Nice one. अभी हम लोग फ्रंट की बात करते तो फ्रंट में इसमें 6.7 इंच की डिस्प्ले मिली है, वो भी फुल HD की एमोलेड डिस्प्ले है। वो सब सारी चीजें आपको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट ये है कि डिस्प्ले कैसी लगती है। डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है इसका, मतलब अगर हम नॉर्मली देखने का कोई मूवी वगैरह देखते हैं यार, हमको टाइम नहीं मिल पाता है थिएटर में जाने के लिए, तो मूवी डाउनलोड करके इसमें देखते हो लगता है कि नहीं, फील होता है क्योंकि काफी अच्छी चौड़ी स्क्रीन है इसकी, तो मूवी देखो कान में एंट्री लगा के लगता है कि नहीं हमको कोई थिएटर में ही बैठे लाइक, तो काफी अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ है इसका। कलर्स वगैरह भी बहुत, मतलब नेचुरल कलर्स के देना, जो इसके डिटेलिंग है जिसकी लाइटिंग वगैरह का थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के अच्छे से देखेंगे बहुत ही अच्छा, मतलब फील आता है हमको लाइक हम टीवी में देख रहे हैं। इससे पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे? इससे पहले मैं यूज करता था सैमसंग का A5 बहुत पुराना फोन था, बहुत पुराना। तो वो फोन में एक 60Hz का डिस्प्ले था नॉर्मल, इसमें 90Hz का डिस्प्ले, मतलब जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो 90 बार एक सेकंड में रिफ्रेश होता है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड मिलती है, मतलब बेसिकली जब हम लोग फोन यूज करते हैं स्क्रॉल वगैरह करते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड मिलती है। तो वो चीज क्या मतलब समझ में आया, क्या समझ में आता आपको उस चीज में? उस चीज में समझ में मेरा फोन बहुत फास्ट चलता है, लाइक अगर मेरे पास में वो फोन अभी भी रखा हुआ है तो मैं अगर उसको यूज करता हूँ तो सबसे पहली चीज तो मुझे हाथ में पकड़ लेने चलता है क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई। तो वो छोटा है, बार बार मैं बैक का नीचे का बटन दबाऊँ, बीच का बटन दबाऊँ, क्योंकि मुझे इसकी हैबिट हो गई साइड से बैक करने की। हाँ, कभी मेरे को ऑप्शन ओपन करने पड़ेंगे, जैसे क्रोम ओपन कर रहा हूँ, व्हाट्सअप ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे फटफट नीचे आने के लिए तो मेरे को बहुत टाइम लगता है। तो उससे बेटर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है स्क्रोल। बहुत फास्ट मोबाइल है एकदम, मोबाइल तो बहुत फास्ट है, वो तो बात है। और फास्ट मोबाइल की बात करें तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर मिलता है। जाहिर सी बात है टॉप ऑफ द लाइन था वो, अभी 865 अभी इंडिया में आया, बट वो टाइम पे था, तो परफॉर्मेंस के मामले में तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आप इतने दिन से यूज कर रहे हो, कभी आपको ऐसा फोन कभी लैग वगैरह होता है? नहीं नहीं जरा भी नहीं, कभी लैग नहीं, कभी जरा भी नहीं हुआ। मैं थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं, मैं कितनी चीजें डाउनलोड पे लगा दूं उसको, 4-5 चीजें ऐप, मतलब
दिन भर में कुछ नहीं, 10-15 भी ऐप में से ऑप्शन करके रखूंगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब रैम वगैरह बहुत फास्ट है। चलो ये तो अच्छी बात है, मतलब लॉन्ग टर्म में भी परफॉर्मेंस में इश्यू नहीं आता, वो तो ऑब्वियस ही बात है। वन प्लस का यही तो खूबी है कि लॉन्ग टर्म भी अगर हम यूज करते हैं तो उसका फोन स्लो नहीं होता, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आते रहते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए थे उसमें, मैंने अपडेट्स किया उसे, काफी अच्छे सॉफ्टवेयर, मतलब जो देखेंगे अभी जो लास्ट सॉफ्टवेयर था बहुत अच्छा था। ओके, तो ओवरऑल अभी उसके बाद अगर परफॉर्मेंस के बाद पबजी वगैरह खेलते हो? हाँ, पबजी खेलता हूँ। तो कैसा लगता है, मतलब पबजी खेलने में ये फोन कैसा है? पबजी खेलने में तो भाई सुपर है, मैं तो बोलूंगा एकदम बाप फोन है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स दिए ना पबजी के, मतलब ऑल ओवर जो भी फोन से हम यूज करते हैं अल्ट्रा एसडी, जो स्मूथनेस चलता है ना, मैंने दूसरे मोबाइल में भी खेल के देखा तो इतना मजा नहीं है जितना इसके अंदर, तो फील सॉफ्ट एकदम चलता है वो बहुत। अगर मैं तो ग्रिप पकड़ के ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेटिंग इसमें ही मिलती है, ग्राफिक तो पूछो मत, ऐसा लगता है भाई मैं कोई जंग के मैदान में खड़े रहकर बंदूक चला। तो मतलब पबजी वगैरह के लिए बहुत सही फोन है डेफिनेटली। अब इतना 6-7 महीने बाद भी अगर भाई बोल रहे कि पबजी वगैरह अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 855 गाइस अच्छा ही प्रोसेसर है, ऑब्वियस सी बात है। अभी उसके बाद अगर मैं कैमरास की बात करूँ तो कैमरास के बारे में आपको क्या कहना है, मतलब पीछे इसके 3 कैमरा है, एक तो अल्ट्रा वाइड है, फिर एक नॉर्मल कैमरा, फिर एक मैक्रो है, मतलब मैक्रो नहीं है सॉरी उसको बोलते क्या, नजदीक जाने वाला 2x मोड है कि एक बार टैप करो तो 2x जूम हो जाता है, तो उसका मतलब ये टोटल कैमरा एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? कैमरा एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। लाइक अगर मैं दूसरी जगह इतना दूर बैठा हूं तो मुझे कोई नजदीक से अगर लेना है, वो भी क्लियरिटी में एकदम साफ लेना हो, तो मैं इसको 2x करूंगा। हाँ। तो मेरे को एकदम नॉर्मल जो दूसरे फोन्स में रहता है, हाँ, उससे बेटर इस फोन में आता है, लाइक लगता है कि एकदम ओरिजिनल फोटो आ रहा है 2x में। तो बहुत ही वो अच्छा 2x का कैमरा है इसका। और अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा वाइड का तो भी मतलब जैसे हमको बड़ी जगह बिल्डिंग वगैरह का हमको पोज लेना हो, हाँ, तो अगर मैं नजदीक बैठा हूँ एंड मुझे चाहिए कि मुझे पूरा कवर करना है, मुझे अल्ट्रा वाइड से लूंगा, तो मेरे को ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वालिटी कैसी आती है? क्वालिटी एकदम सुपर आती है। और रात के टाइम पे नाइट मोड भी बहुत बेस्ट है। नहीं, नाइट मोड में नहीं, अगर नाइट मोड में तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन बिना नाइट मोड के रात में क्वालिटी सफर करती है? क्वालिटी थोड़ी सी सफर करती है, बट इसका देखने आएंगे दूसरे कैमरों से तो बहुत अच्छा कैमरा है, मतलब बहुत ही हटके 40,000 के रेंज में। यस यस, अभी ऊपर हम फ्लैगशिप्स की बात नहीं कर रहे, फ्लैगशिप्स ऑब्वियसली नाइट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ये तो लिखा ही हुआ है, जब ज़्यादा पैसा दोगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा ही, बट 40,000 के रेंज में तो काफ़ी अच्छा कैमरा है, मैं इतना बोल सकता हूँ डेफिनेटली। उसके बाद कैमरा हो गया, अभी सेल्फी कैमरा जो है, तो सेल्फी कैमरा का क्या आपको लगता है कैसा सेल्फी कैमरा? जो इसका जो नॉच कैमरा दिया है, डॉट बहुत ही क्यूट दिया हुआ है, मैं ऐसे लगता है कुछ गिर रहा है। तो हम अगर हल्का सा भी हाथ पकड़ के सेल्फी लेते तो एकदम ज़्यादा ब्यूटीनेस भी नहीं है, मतलब बोलते हैं नेचुरल इफेक्ट देता है, ये नहीं कह सकते दूसरे मोबाइल में हम देखने जाएंगे तो बहुत सारा ब्यूटीनेस आ जाता है, तो लगता है कि नहीं यार कोई नकली फोटो है, तो ओरिजिनल लगता है फोटो परफेक्ट, तो ये ओरिजिनल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है सेल्फी वगैरह? जी, सेल्फी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ओके, और वीडियो वगैरह भी काफी अच्छी, वीडियो वगैरह की क्लियरिटी बहुत ही अच्छी आती है, अगर मैं नॉर्मली देखने जाऊंगा वीडियो क्लिप करूंगा तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होता है, साउंड भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, साउंड भी अच्छा रिकॉर्ड, बहुत अच्छा साउंड रिकॉर्ड होता है। और मैंने सुना था कि इसका वाइब्रेशन मोटर बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन जब होता है तो जब कोई कॉल आती है तो वाइब्रेशन मोटर का क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका। हाँ, नॉर्मली देखने जाएंगे तो वाइब्रेशन मोटर का अच्छा है, क्योंकि हम जेब में रखते तो इतना मतलब कोई और जैसे वाइब्रेट होता है फोन तो कुछ ज्यादा पैर को हिला देता है, तो ये इतना नहीं करना है, सेटल रहता है, मतलब लगता है कि नहीं कुछ मूवमेंट हो रहा है, हाँ, तो मालूम पड़ जाता है सॉफ्टली मालूम पड़ता है, बट अच्छा। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स मैंने ये जब फ़ोन यूज़ किया है तो मेरे हिसाब से इसका स्पीकर तो बहुत ही बाप था, आपका क्या कहना? स्पीकर की बात करें साउंड क्वालिटी तो बहुत सुपर है, बिकॉज ऑफ इसका जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से आवाज़ बजता है, स्टूडियो तो बहुत, क्योंकि नॉर्मली देखने जाएंगे फोन्स में तो नहीं रहता है, नीचे ही रहता है, बट इसका जो ऊपर का दिया हुआ तो हम उसको हल्का सा ऐसे ही पकड़ के पड़ते तो इको बढ़ जाता है उसका, तो ऐसा लगता है हम कोई स्पीकर बजा रहे हैं यार, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है, क्लियर क्वालिटी आती है, नेचुरल की कोई चिड़िया चिंचका रही है तो उस बेस पे लगता है कि नहीं यार नेचुरली चिंचका रही है, वैसा बहुत सुपर साउंड क्वालिटी है इसकी। ओके, और मतलब पहले तो तुम जो A7 यूज करते थे उसमें तो वो ईयरफोन लगाने वाला कनेक्टर था पहले, मतलब पोर्ट था जो 3.5 mm हेडफोन जैक होता है वो था, लेकिन इसमें नहीं है, तो वो चीज को
कमी महसूस होती है, वो चीज की कमी महसूस होती है बिकॉज ऑफ बहुत से हैंड्स फ्री होते हैं वो, क्योंकि नॉर्मली केबल रहता है उसको हम अटैच करना पड़ता है, तो अब इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वायर लेना पड़ता है और लगाओ फिर उसको यूज करो, वो भी हेडेक रहता है, सही बात है, ये तो ब्लूटूथ यूज करो यार, ये कंपनी वाले लोगों को समझता नहीं है ना, जबरदस्ती सब फोन से निकाल दिया, या तो ब्लूटूथ यूज करो या तो फिर यूएसबी टाइप सी वाला यूज करो, मतलब एक्स्ट्रा लगेज बढ़ जाता है। गाइस अभी हम लोग की बात है तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट सब कुछ सब फोन में अभी ऐसे ही हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन कुछ लोग जो अभी ये मतलब पिछले 3-4 साल पहले जो फोन यूज करे जिनके पास हेडफोन जैक था, वो लोग अगर ये सब फोन पे शिफ्ट करते तो उनके लिए एक थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो लोग ज्यादा मिस करते ये सब चीज को, क्या कहते हो तुम? बराबर है, मैं भी कहीं ना कहीं मिस करता हूँ मेरे पुराने फोन को, लेकिन उसे बहुत अच्छा साथी है, लेकिन इसकी बात चलो वो तो बात हो गई इसकी हेडफोन जैक की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की, तो वो कैसा है? मतलब देखना ही गुना है, मतलब ऐसा अगर कोई मेरा फोन चुपचाप से ले लिया, अगर मैं बोले अगर जुनैद ऐसा कर रहा तो खुल जाता है यार, बहुत स्पीड है फेस अनलॉक तो बहुत ज्यादा बहुत ही स्पीड है, लेकिन सिक्योर नहीं है क्योंकि फोटो है गाइस, ये कोई 3D सेंसर वगैरह नहीं दिया, इंफ्रारेड वगैरह कुछ नहीं है, एकदम ओपन डायरेक्टली हो जाता है, तो कोई सिक्योरिटी का ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर फिंगरप्रिंट से बहुत सुपर है, अगर हल्का से टैप करके दबाएंगे तो इजीली ओपन हो जाता है। कितने बार कैंसिल होता है कभी, मतलब ऐसा अगर 100 बार खोल रहे हो तो 100 में से 10 बार तो ऐसा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, 10 बार होता है, कितने बार होता है अगर 100 में से? एक अंदाजा लगाओ तो मतलब 8 से 12 बार तो नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि कभी हमारा हाथ गीला है, क्लियर नहीं है, गीला है, कोई कुछ लगा हुआ है तो नहीं खुलता है, अगर नॉर्मली क्लियर है एकदम परफेक्ट थंब लगाते तो खुल जाता है, वो तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कहाँ पे लैंड करना है हाथ को, वो तो बात सही है, तो मुझे तो सिक्योरिटी वगैरह अच्छी है, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, मेमोरी कार्ड भी नहीं लगता इसमें तो वो चीज कैसी लगी, मतलब वो चीज को कभी मिस करते हो? वो चीज को भी मिस मतलब देखने जाएंगे तो इसके अंदर जो इतना इनबिल्ट दिया हुआ है, तो मेमोरी कार्ड में मतलब नॉर्मली पुराने फोन में जो मेरे था वो मेमोरी कार्ड लगा देगा, किसी को भी निकाल के मैंने इसको शेयर कर दिया, वो उसकी थोड़ी कमी खलती है तो मतलब ये कि उसके अंदर कैसा ऑलरेडी 16 GB इनबिल्ट होने के बावजूद भी हम 32 GB का 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते थे, तो 128 GB का दिया, अगर मेरे 128 GB फुल हो गए तो फिर मैं क्या करूंगा, पुरानी चीजें डिलीट मारनी पड़ेंगी, पुरानी चीजें डिलीट मारनी पड़ेंगी या तो फिर क्लाउड पे बैकअप करना पड़ेगा। बाकी ये सब सारी चीजें थी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी इतने दिन हो गया, लगभग 5 महीना हो गया, तो कुछ ऐसी शिकायत है कि वन प्लस को तुम ऐसा कुछ बोलना चाहते हो, अगर वन प्लस ये कंपनी वीडियो देख रही है तो तुम कुछ शिकायत है जो वन प्लस को देना चाहते हो? पहले चीज तो मैं शिकायत करूंगा उसकी 3.5 के जो उसका वो रहते हैं जैक की बात, एंड दूसरी बात करूंगा थोड़ा सा इसका मेरे को जो ये नॉच है, क्योंकि बहुत से फोनों में अभी नॉच नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा अभी पुराना सा लगने लगा, क्योंकि अभी बहुत से नए फोन्स में है कि पूरा डिस्प्ले आ रहा है, तो ये बराबर, तो वो तो अभी नया OnePlus 8 जो आने वाला है उसमें डेफिनेटली ऐसा ही होने वाला है, वो OnePlus 8 में एकदम नॉच लेस हो जाएगा, ये छोटे से गोल वाला नॉच आएगा, वो जो कैमरा आता है ना कट आउट वाला आएगा मोस्ट प्रोबेबली, डोंट मार्क माय वर्ड हियर। तो ओवरऑल तुमको फोन कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, सबसे बेस्ट बात बताऊंगा तो मुझे लगा इसका ये साइलेंट मोड, ये बहुत अच्छा है, अरे भाई स्लाइडर भाई बहुत देखने में तो भाई बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत भारी काम करती है, अलर्ट स्लाइड, अलर्ट स्लाइड मतलब ऐसा क्या अभी कॉलेज वगैरह में फटाक से, हाँ नहीं तो ये आईफोन वाले ये चीज बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, अभी ये वन प्लस ने लेके आया, मतलब वन प्लस वन में नहीं था, वन प्लस टू में आया है शायद, नहीं वन प्लस एक्स में आया है और वन प्लस टू में, मेरे को एकदम कंफर्म याद नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कौन से फोन में फर्स्ट टाइम अलर्ट स्लाइडर आया है। बाकी ओवरऑल फोन अच्छा है, ओवरऑल फोन तो बहुत अच्छा, अगर आज के टाइम पे किसी को लेना तो तुम रिकमेंड करोगे? हाँ अगर आज के टाइम में लेना होगा तो मेरे ओपिनियन में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यूज करो, फोन लो खरीदो, आज के टाइम पे आज के टाइम पे भी वर्थ है इसका, अभी आज के टाइम पे इसका प्राइस जो है लगभग कुछ 30,000 के आसपास हो जाता है, तो 30,000 में वर्थ है? वर्थ है, अरे ऑफकोर्स वर्थ, डेफिनेटली। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोगों ने सुना किस तरह से इनको इनका एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने सुना ही, तो अगर आप लोगों को लेना है ये फोन तो मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग जाकर इस फोन को परचेज कर सकते हो। बस इतना ही बताना था गाइज इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक दबा दो। बाय द वे गाइज मैंने फर्स्ट टाइम परफ्यूम के ऊपर वीडियो बनाया, ये भाई साहब हमारे परफ्यूम एक्सपर्ट हैं और इनका चैनल है परफ्यूम वाले, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैं आई कार्ड में दे दूंगा, आप लोग जाकर जरूर चेकआउट करो, देखो कि मैं किस तरह से परफ्यूम की वीडियो में परफॉर्म करता हूँ। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आता तो मेरे चैनल और भाई के चैनल दोनों को सब्सक्राइब करो और घंटे के आइकन को दबा दो ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।